हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मोंटेजिया फ्रैक्चर। नाम थोड़ा सा जर्मन है और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसको बोलने में, लेकिन ये जो इंजरी है ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, मोंटेजिया फ्रैक्चर। और यह एक प्रकार का ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 90% ऑफ द टाइम मोंटेजिया फ्रैक्चर जो है वो एक सर्जिकल केस है और इसको हम मेडिकल टर्म्स में फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्चर है इसको प्लास्टर में जोड़ा नहीं जाता है, बिकॉज इसमें हाई चांस होते हैं कि ये गड़बड़ हो जाए इसमें प्लास्टर में। तो दोस्तों, क्या होता है मोंटेजिया फ्रैक्चर? जब भी बच्चा अपने हाथ पे गिरता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉल ऑन आउट स्ट्रेच्ड हैंड, उसका जो यहाँ पे हमारी दो बोन्स होती है, एक बोन होती है रेडियस, एक बोन होती है अल्ना, ये दोनों बोन्स जो होती हैं ये रोटेशन में हेल्प करती है। जो अल्ना बोन है वो तो स्थिर रहती है और जो रेडियस बोन है वो इसके चारों तरफ घूमती है, और इसी की वजह से जो हमारा हाथ है या तो हथेली है ये ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है। इस मूवमेंट को हम सुपिनेशन प्रोनेशन बोलते हैं। ये जो रेडियस बोन है ये आखिरी में जाके यहाँ पे जो ख़त्म होती है इसको एक बोलते हैं रेडियल हेड। और ये जो दोनों बोने होती हैं, ये दोनों बोन्स ये अलग अलग नहीं होती है, ये आपस में जुड़ी रहती है। यदि एक बोन हिलेगी तो दूसरी बोन भी उसके साथ हिलती है। तो ये दोनों बोन्स आपस में जुड़ी रहने की वजह से जब भी एक बोन का फ्रैक्चर होता है दूसरी बोन का अलाइनमेंट भी बिगड़ता है। तो दोस्तों, मोंटेजिया फ्रैक्चर में क्या होता है, इसमें जो अल्ना बोन है इसका फ्रैक्चर होता है और उसकी वजह से जो यहाँ पे जो बोन रेडियस है उसका जो रेडियल हेड है वो डिसलोकेट हो जाता है। वो ऊपर भी आ सकता है, वो साइड में भी आ सकता है, वो पीछे भी आ सकता है, और इसी बेसिस पे उसको तीन चार टाइप्स का बोला जाता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली आता है वो आगे की तरफ आता है। अब इसमें एक खासियत बात ये है कि ये जो फ्रैक्चर है ये अगर कोई ऑर्थोपेडिक्स अगर पूरा एक्सरे को नहीं पड़े तो वो सिर्फ फ्रैक्चर को ही जोड़ देता है, उसको सेट नहीं करता, और इसी वजह से ये फ्रैक्चर बहुत टाइम मिस हो जाता है। और जब हड्डी जुड़ जाती है उसके माँ बाप नोटिस करते हैं कि बच्चे के यहाँ कोनी में हड्डी सी कोई निकली हुई है, और वो जो है उस टाइम पे उसका इलाज सही से हुआ नहीं, उसकी वजह से ये निकल जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आपको कोई हाथ का फ्रैक्चर हो आपको दोनों जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों का एक्सरे आना चाहिए एक्सरे फिल्म में, और दो व्यू आने चाहिए। एक होता है एपी व्यू जिसमें हम किरणें सामने से डालते हैं, और एक होता है लैटरल व्यू जिसमें हम किरणें साइड में से हाथ को साइड में करके डालते हैं। ये दोनों व्यू बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी हमें मोंटेजिया फ्रैक्चर अच्छे से पकड़ में आता है। इन दोनों व्यू को अगर आपने करा लिया और उसमें मोंटेजिया फ्रैक्चर आ चुका है तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से ये पूछना चाहिए कि जब भी फ्रैक्चर का उन्होंने सेट किया है, मोस्ट लाइकली तो वो सर्जरी से ही सेट होता है, बाई चांस उन्होंने उसको अगर प्लास्टर में भी सेट किया है तो रेडियल हेड वापस अपनी जगह पे आया है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हड्डी जुड़ना इतना बच्चों में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो तो जुड़ ही जाएगी, अगर टेढ़ा है तो भी जुड़ जाएगी, लेकिन रेडियल हेड अपनी जगह पे आया है कि नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार अगर हड्डी गलत जुड़ गई तो दोबारा हमें उसको ब्रेक करके रेडियल हेड को सेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको अपने डॉक्टर या आपके जो पोस्ट ऑपरेटिव जो एक्सरे है उसमें ये देखना है कि आपका जो रेडियल हेड है वापस अपनी जगह पर बैठा है या नहीं। अगर सपोज नहीं बैठा तो उसके लक्षण क्या होंगे, एक तो हमेशा आपको उभार सा दिखेगा, दूसरा आपका ये जो मूवमेंट जो मैं बता रहा था सुपिनेशन प्रोनेशन, यानी जो आपका जो हाथ की पंजा है या तो ऊपर या नीचे पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं होगा, हमेशा उसमें कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, और तीसरा ये है कि हमेशा दर्द बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट है वो डिसलोकेटेड है। तो ये इसके लक्षण है। हम तो चाहते हैं ये होए ना, लेकिन अगर ये होता है तो इस तरीके से आपको रेडियल हेड को पहले बिठाना पड़ेगा और उसके बाद ही इस फ्रैक्चर को करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बता रहा हूँ। ये बच्ची जो थी इसके मोंटेजिया फ्रैक्चर हुआ था और इसका कहीं प्राइमरी हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ जिसमें मोंटेजिया फ्रैक्चर डॉक्टर पकड़ नहीं पाए, उसका प्लास्टर उन्होंने कर दिया, और उसके बाद जब प्लास्टर में हड्डी जुड़ गई उसके बाद जब उन्होंने पेरेंट्स ने नोटिस किया कि अभी भी कोनी जो है इसकी जो कोनी है वो पूर्णतया काम नहीं कर रही और एक उभार सा दिख रहा है, जब ये मेरे पास आए तो वो रेडियल हेड उसका डिसलोकेटेड था और हमने दोबारा ऑपरेशन किया, बच्ची की बोन को वापस से ब्रेक किया और उसको अलाइन किया और रेडियल हेड को वापस अपनी जगह पे लाए, और फिर हमने उसको प्लेट से फिक्स किया, और इसके बाद एक महीने से डेढ़ महीने के बाद
हमने प्लास्टर खोल दिया और बच्ची अब आप मूवमेंट देख पा रहे हैं जैसे इस वीडियो में पूर्णतः नॉर्मल है, बच्ची अपने सारे काम कर सकती है और उसका जो रेडियल हेड है वो पूर्णतः अपनी जगह पे है और इसको आगे अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मेरा जो कहने का निष्कर्ष ये है कि यदि मोन्टेज या फ्रैक्चर आपके बच्चे को होता है तो आप इसमें सर्जरी करने में ना कतराएं। पहली चीज, ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें 90% ऑफ द टाइम हम सर्जरी करते हैं। दूसरी चीज, आप अपने पोस्ट ऑपरेटिव जो एक्सरे है उसमें ये ज़रूर अपने डॉक्टर से चेक कराएं कि बच्चे का रेडियल हेड सही से अपनी जगह पे बैठा है या नहीं। बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंट होते हैं जब हमें एक अलग से चीरा दे के रेडियल हेड को भी अलग से बिठाना पड़ता है, अगर फ्रैक्चर वो आपस में अगर बैठने पर नहीं आ रहा है तब। तो ये दोनों चीज़ करने के बाद एक महीने के अंदर जब बोन जुड़ जाती है उसके बाद रेडियल हेड अपनी जगह पे ही रहता है और आप जब मूवमेंट चालू कराते हैं तो बच्चे का जो एल्बो है वो धीरे धीरे सामान्य होता जाता है और कुछ ही टाइम में बच्चे का जो हाथ है वो पूर्णतः नॉर्मल। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के मोन्टेज या फ्रैक्चर है और आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं या फिर आप हमसे और कोई डिटेल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा हमारा वीडियो कंसल्टेशन पेड है, तो हमें अपना जो वीडियो कंसल्टेशन है वो हमने 500 पे किया है। आप उसको पे करते हैं तो हम आपसे वीडियो कॉल पे सारा डिस्कस कर सकते हैं, आपके एक्सरेस में आपको बता सकते हैं कि आपके बच्चे का ट्रीटमेंट सही हो रहा है या नहीं। धन्यवाद।